Brought to you by Independence. आज Independence Special खाना बनेगा घर पे, क्योंकि इसके है कणकण में स्वाद, कणकण में भारत। महाराष्ट्र में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। चर्चा है कांग्रेस एनडीए के साथ इस बार महायुति गठबंधन को तगड़ी पटक नहीं दे सकती है, लेकिन चर्चा इस बार राहुल गांधी की शादी को लेकर भी है कि विधानसभा चुनाव के बाद वो महाराष्ट्र के बड़े नेता की बेटी से शादी करने वाले हैं। राहुल गांधी ने खुद कुछ समय पहले एक बयान दिया था, मंच से कहा था बहन के पूछने पर कि अब तो शादी जल्द ही करनी पड़ेगी। दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। पहले उसका जवाब दो। क्या जवाब है उसका? क्या सवाल क्या है भाई? अब जल्दी ही करनी पड़ेगी। वहीं लालू यादव भी इंडिया अलायंस की बैठक में राहुल गांधी को शादी के लिए टोक चुके हैं, और ऐसे कई मौके आए जब राहुल गांधी को शादी के लिए पूछा गया या उन्हें टोका गया। लेकिन अब कौन है महाराष्ट्र के बड़े नेता की वो बेटी जिससे राहुल गांधी की शादी की चर्चा जोरों पर है, बताएंगे सब इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूँ कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज तक। राहुल की शादी की अफवाह बीते कई महीनों से लगातार उठती रही है, और इस बार कहा जा रहा है कि राहुल की शादी की डेट दिसंबर में फिक्स हो गई है। खबर है कि अपने भाई राहुल गांधी के लिए लड़की खुद बहन प्रियंका गांधी ने खोजी है। ये लड़की कोई और नहीं, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुशील कुमार शिंदे की बेटी प्रणीति शिंदे हैं। प्रणीति शिंदे राहुल गांधी के साथ कई मौकों पर नजर आई हैं। प्रणीति शिंदे राहुल गांधी के साथ दोनों भारत जोड़ो यात्रा में चलती हुई नजर आई, महाराष्ट्र से राजस्थान तक जाती हुई नजर आई। इसके अलावा हाल ही में प्रणीति शिंदे और राहुल गांधी की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिसमें प्रणीति शिंदे शपथ ग्रहण समारोह के दौरान जब जाती हैं मंच पर तो राहुल गांधी को प्रणाम करती हैं, नमस्कार करती हैं, और राहुल गांधी हाथ आगे बढ़ा देते हैं उनसे हाथ मिलाने के लिए। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई। उस वक्त भी प्रणीति शिंदे और राहुल गांधी की केमिस्ट्री की खूब चर्चा हुई थी। राहुल गांधी और प्रणीति शिंदे की शादी की चर्चा जरूर हो रही है, लेकिन न्यूज तक इस बात की पुष्टि नहीं करता है। हम आपको इस चर्चा के पीछे की जो खबर है वो बता रहे हैं इस रिपोर्ट में। वैसे राहुल के साथ नाम कई महिला नेताओं के जुड़े, लेकिन इस बार जैसी चर्चा शायद पहले नहीं हुई। प्रणीति शिंदे की राहुल के साथ कई वीडियो भी सोशल मीडिया पर लगातार वायरल होती रही हैं। प्रणीति भी काफी मुखर नेताओं में गिनी जाती हैं, ठीक वैसे ही जैसे राहुल गांधी काफी बोल्ड होकर अपनी बात कहते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र के बदलापुर में 2-3 साल की बच्चियों के साथ हुए यौन शोषण मामले में भी प्रणीति शिंदे ने खुलकर विरोध किया और अपना बयान दिया। बहुत ही निंदाजनक ऐसी चीज हुई है। हम महिलाएं कहां जाए, जो कलकत्ता में हो रहा है, यहां हो रहा है, गुजरात में जो रेपिस्ट है उनका स्वागत और सत्कार किया जाता है, और जब सत्ताधारी जब इन चीजों का समर्थन करते हैं तो लोगों को लग रहा है, जो विकृत जो शैतानी मन के होते हैं उनको लग रहा है कि हम कुछ भी कर सकते हैं महिलाओं के ऊपर और हमको सजा नहीं मिलने वाली है। मैं तो कह रही हूँ प्रोटेस्ट तो बहुत सभ्य था, वहाँ पे तो आग लगानी चाहिए। ज्यादा जानकारी के लिए कौन है प्रणीति शिंदे, बताते हैं उनके बारे में विस्तार से। प्रणीति शिंदे महाराष्ट्र में सीआईडी के सब इंस्पेक्टर से, महाराष्ट्र के सीएम से, देश के गृह मंत्री तक का सफर तय करने वाले सुशील कुमार शिंदे की बेटी हैं। सुशील कुमार शिंदे की 43 वर्षीय बेटी प्रणीति शिंदे कांग्रेस वर्किंग कमेटी में भी विशेष आमंत्रित सदस्य हैं और अब एक सांसद भी हैं। वो पहली बार सोलापुर से सांसद चुनी गई हैं, महिला सांसद के तौर पर उनका नाम दर्ज है। एक कार्यक्रम में प्रणीति शिंदे ने कहा था कि पार्टी हमें जो जिम्मेदारी सौंपेगी हम उसे निभाएंगे। उन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी को विश्वास भी जताया था कि इस बार चाहे कुछ भी हो सोलापुर का सांसद कांग्रेस का ही होगा, और ऐसा हुआ भी। प्रणीति शिंदे ने चुनाव जीता और सांसद बनी। वो सोलापुर से 3 बार विधायक रह चुकी हैं। प्रणीति सामाजिक संस्था की फाउंडर भी हैं, वह सामाजिक संगठन जय जुई फाउंडेशन की संस्थापक हैं। प्रणीति ने सेंट जेवियर कॉलेज मुंबई से बीए किया, इसके बाद उन्होंने गवर्नमेंट लॉ कॉलेज किया, इसके बाद उन्होंने वकालत की पढ़ाई भी की। फिलहाल राहुल गांधी और प्रणीति शिंदे की शादी की चर्चा जोरों पर है, लेकिन ये तो समय आने पर ही पता चलेगा कि ये चर्चा एक अफवाह ही मात्र थी या फिर हकीकत में ये बदलती हुई भी नजर आती है। आपके हिसाब से वैसे क्या कुछ हो सकता है? क्या दोनों के बीच शादी की जो चर्चा हो रही है क्या वो हकीकत में बदल सकती है या नहीं बदल सकती? कमेंट करके बताएं अपनी राय। ये वीडियो आपको कैसी लगी ना बताना भूलें। इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।